हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पेई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं हमेशा की तरह। तो आज है एक छुट्टी का दिन, आज है गुरु नानक जयंती, हॉलीडे है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मेरा मूड थोड़ा अलग है। सुबह से उठ के मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा खाया जाए, जैसे कि हर छुट्टी के दिन होता है मेरा। और फिर मैंने ये भी सोचा कि साथ में अच्छे खाने के साथ कुछ अच्छा गाया भी जाए, जो कि मैं आज का व्लॉग बनाने का सोच रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि अगर कुछ अच्छा खाने का भी मतलब मैं कुछ प्रिपरेशन करती हूँ तो उसके साथ साथ गाने का, तो दोनों मिला के आज क्यों नहीं करते कि ये व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड आप लोगों को बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन की आवाज़ हमेशा की तरह सुनाई दे रही होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली शायद पिछले साल दो साल से चल रही है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस चलते हैं। सो अगर आप लोगों को ये नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, क्योंकि मतलब ये तो चलते रहने ही हैं। खैर, मैं ये कह रही थी कि आज छुट्टी का दिन है और सुबह को मैंने सोचा कि आज बर्गर खाते हैं। बर्गर बनाने का बहुत मन कर रहा था। कल से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीद के रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन का ब्रेकफास्ट होगा हमारा बर्गर से होगा। और तो फिर ये सोचा कि काम करते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। फॉर दैट थिंग गाइज, प्लीज़ टेक अ नोट, मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये सब फास्ट फूड या स्नैक्स के अलग अलग रेसिपीज़ होते हैं एंड रेसिपीज़ आर इजीली अवेलेबल ऑन गूगल। तो मैं आप लोगों को सिखाने नहीं वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, ओके? तो और बर्गर जैसे ही बन जाता है उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक गाना भी सुनाऊंगी आज, ओके? तो दिस इज़ गोइंग टू बी माय खाना एंड गाना फॉर द डे, ओके? चलो शुरू करते हैं। ये बाय द वे दिस इज़ माय हैप्पी किचन। आप लोगों ने ये किचन मेरा पहले देखा होगा, छोटा सा है। और मैंने सारी ना मैंने ये इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार करके रखे हुए हैं थोड़ी देर पहले से। तो मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ले ली हैं, लेटिस ले लिया है एंड मैं चीज़ भी, बर्गर में मुझे चीज़ खाने का बहुत मतलब डालना बहुत अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। और साथ में मैंने गार्लिक ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने कुछ ऐसे स्पेयर ब्रेड्स ले लिए हैं। तो मैं फटाफट से बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूंगी मैं, बिकॉज़ बहुत सारे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रेडी है। बस मैं अब जल्दी से आलू टिक्की बनाऊंगी। घर पर आलू टिक्की बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुकान वाले जो होते हैं उसमें या तो मुझे मेरे पसंद के फ्लेवर नहीं मिलते हैं या फिर वो साइज़ के नहीं होते हैं, जो बेसिकली बर्गर बंस के जो होते हैं। तो चलिए मैं पहले जल्दी से आलू टिक्की बना लेती हूँ, ओके? आई थिंक ये दो ही काफ़ी होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर मैंने अगर ले ली तो फिर चार बर्गर्स के लिए, क्योंकि हम दोनों के लिए दो दो बर्गर्स होंगे, इससे ज़्यादा अगर मैंने आलू अगर छील लिया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ इनाफ, क्योंकि काफ़ी होगा, फिर टिक्की बहुत हैवी हो जाएंगे। और मुझे याद है मैंने कुछ दिन पहले एक बार बर्गर बनाया था और उस टाइम पे आलू टिक्की इतने हैवी हुए थे, टेस्टी बहुत हुआ था लेकिन उस टाइम पे इतने हैवी हुए थे कि एक एक दो दो बर्गर्स यानी पेट फटने वाले थे और फिर हम लोग को ऑलमोस्ट वेस्ट करना पड़ा था। सो आई रिमेंबर, तब इट बिकम्स लाइक अ बॉम्ब। तो आलू इस बार बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, लर्निंग फ्रॉम माई प्रीवियस लेसन। ब्रेड क्रम्स को बनाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे टुकड़े डाल दूंगी। और ब्रेड इतने सॉफ्ट होते हैं कि अपने आप से बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही हो जाएंगे। है लेटिस, मैं लेटिस को थोड़ा सा पील करके रख देती हूँ। ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है मोस्टली सारे खाने में, क्योंकि इसके जो क्रंचीनेस हैं ये मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बर्गर्स और सैंडविचेस में। मैं कभी भी बाहर खाती हूँ तो जनरली यही वजह होती है कि मैं बाहर के सैंडविचेस या बर्गर्स में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके लेटिस का, मुझे ये जो होता है इसका फिलिंग मुझे ज़्यादा पसंद होता है। ये आलू का जो क्वांटिटी है काफ़ी हो गया। मैंने कहा था ना आपको कि मुझे लग रहा है दो बड़े आलू लिए हैं तो काफ़ी थे। सो मैश्ड पोटैटो इज़ रेडी और मैंने लहसुन को भी पीस लिया है, गार्लिक, और इधर ब्रेड क्रम्स भी कम्प्लीटली रेडी है।
सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बना लूँ। खैर उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, क्योंकि हम अगर चाहें तो हम घर पर नॉर्मल लार्ज लाल मिर्च पाउडर रेड चिली पाउडर को लेके भी हम बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, नथिंग एल्स। तो मैं एक काम करूँगी, मैं इस ब्रेड क्रम्स को इसमें डाल दूँगी, बिकॉज एक फ्लैट बाउल की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, जब हम पैटी को, आलू पैटी को जब हम ब्रेड क्रम्स में लगा रहे होंगे। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल लिया है, वो क्यों लिया है ये बाद में पता चलेगा लास्ट में। एक्चुअली कुछ नहीं, इट्स नॉट अ सस्पेंस गाइज। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर जो है, कॉर्नफ्लावर को मैं उसका बैटर बनाने वाली हूँ। चिली फ्लेक्स के लिए मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च ले ली है, उससे अच्छा खासा चिली फ्लेक्स बन जाएंगे, एब्सोल्युटली होममेड चिली फ्लेक्स। सी आई टोल्ड यू। तो अब एक काम करूँगी मैं ना, अब आलू पैटी बना लेती हूँ। बाय द वे मेनी ऑफ द टाइम्स आई ऑल्सो प्रिफर कि ये जो आलू पैटी है, ये पैटी बनाने से पहले जो मैश पोटैटो का जो ये जो एक्चुअली जो होगा मिक्स, मैं इसको भी थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा सौते कर लेना पसंद करती हूँ। बट व्हाट आई डू नाउ, मैं बहुत देर तक सौते नहीं करूँगी, बट आई जस्ट ट्राई टू सौते द गार्लिक एटलीस्ट, क्योंकि सौते गार्लिक का एक अलग फ्लेवर आता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कच्चे गार्लिक से ज़्यादा। ओके गाइज, सो दिस इज़ द नॉर्मल रिफाइन ऑयल दैट आई एम यूजिंग। एक काम करती हूँ, ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं कॉर्नफ्लावर का बैटर जो है उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैं पहले ये आलू जो है, मैश्ड आलू को मैं थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। एक्चुअली देखिए, दुकानों का तो पता नहीं है, क्योंकि दुकानों में किस तरह से बनाते हैं लाइक द फेवरेट बर्गर जॉइंट्स, लेकिन घर पर अगर हम बनाएं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश करें, बिकॉज बस खैर आफ्टर ऑल इट्स द टेस्ट बड दैट मैटर्स, यू नो। मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, आई होप बहुत ज़्यादा ना हो, स्वाद अनुसार, यू नो। सो आई डोंट नो हाउ मच इट्स गोइंग टू बी, आई होप इट्स फाइन। सो गाइज, बेसिकली व्हाट आई डिड इज जस्ट लाइक मैंने पैटी के लिए आलू को अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड से लेके जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने सौते किया, नथिंग एल्स। मैं काम करती हूँ, मैं तब तक पैटी बना लेने की कोशिश करती हूँ, हालांकि काफ़ी गर्म है ये, बट ठीक है, आई कैन ट्राई। मैंने वैसे भी ज़्यादा नहीं, चार पैटी बनाने हैं, तो आई थिंक दिस विल बी इनफ। पता है किसी भी खाने के रेसिपी में ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि पकाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना प्रिपरेशन में लग जाता है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक बार आप प्रिपेयर कर लो, उसके बाद फिर उस चीज़ को कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तेल हो चुका है गरम और मैं अब आलू पैटी फ्राई कर लूँगी। यू नो इट्स राइटली सेड दैट अ किचन इज़ ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ बैटल फील्ड, और मेरा मानना है कि ये एक साइंस लैब से भी कुछ कम नहीं है। हियर यू क्रिएट ब्यूटिफुल थिंग्स समटाइम्स आउट ऑफ योर ओन माइंड। तो खैर आलू पैटी मेरा इस तरह का बनेगा, बिकॉज बंस जो हैं थोड़े से बड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में आलू पैटी काफ़ी छोटे वाले मिलते हैं। नाउ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये अगर बैटर में डूब गए ना तो टूट भी सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है ये। सो एक तो हो गया एंड मैं आराम से इसको एक तो गया तेल में, अब दूसरे की बारी है, तब तक मैं दूसरा पैटी रेडी कर लेती हूँ। वैसे मेरा मानना ये है कि अच्छा खाना बनाते समय आसपास की चीज़ें थोड़ी सी मैसी हो जाती है, बट दैट्स ओके प्रोवाइडेड द आउटकम इज़ गुड, और यहाँ मुझे लग रहा है आउटकम अच्छा ही होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शिद्दत भाई शिद्दत, छुट्टी के दिन की शिद्दत, यू नो। मैंने ये भी सोचा था कि मैं बनाते बनाते मैं अगर आप लोगों को आज का गाना सुना देती तो क्या होता, कैसा होता, बट फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम को एक चीज़, मतलब आई मीन एक काम को एक बार में ढंग से करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दुकानों में आपको पता है ये वाला बर्गर जो होता है ये स्टफिंग के साथ, द इंटायर प्राइस इज़ लाइक इट गोज़ अबव 180-200 बक्स कम से कम। कि आलू जब आप फ्रेश बॉयल करते हो तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, उसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे वो थोड़ा टाइम निकल जाता है
वो धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे अब मुझे इसको होल्ड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले पिछले एक दो पैटी में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, ऐसा लगा जैसे टूट जाएगा हाथों में, बट अब ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया है। खैर, घर वाले पैटी कैसे अजीब नहीं दिखते, दुकानों के कितने परफेक्ट दिखते हैं, बिल्कुल लाइक इवनली फ्राइड। हाँ मुझे पता है वो ऐसे मेरी तरह कढ़ाई में नहीं फ्राई करते, बट खैर अब मैं एक काम करती हूँ, मैं बर्गर में स्टफिंग सॉरी अंदर फिलिंग के लिए मैं टोमेटोज और अनियंस को भी मैं काट लेती हूँ। ओके आई थिंक इज इनफ, बस तो सारी चीज़ें अब रेडी हैं, सिर्फ मुझे बर्गर्स के अंदर इन स्टफिंग को भरना है एंड येस लेटिस और चीज़ तो है ही है। तो अब हमारा बर्गर बनके रेडी हो गया, तो ये है हमारा बर्गर रेडी और मुझे लग तो रहा है कि अच्छा बना होगा। काफ़ी मैसी हो चुका है किचन और साफ़ करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी वो, बट चलो पहले खाना एंजॉय करते हैं और उसके साथ साथ फिर गाना जो है एक्चुअली पेंडिंग। तो अब मैं मेरे बर्गर को पास में रख के पहले आप लोगों को गाना सुनाऊंगी, और गाना क्या, खैर इट्स लाइक माई एनी रेगुलर सिंगिंग ब्लॉग्स, और ये होगा मेरा एक आज का बंगाली गाना, और ये मैं एक ही गाना सुनाऊंगी, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मेरा बर्गर का बनाने का तरीका, लाइक नॉट रेसिपी बट मेरे बर्गर बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं, लेट मी नो, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, और गाना सुन के भी बताना खाना और गाना दोनों आप लोगों को कैसा लगा। ओके सो आई एम स्टार्टिंग माई सिंगिंग नाउ। झिरी झिरी स्वप्न झरे दूटी चोखे सीमाना चुपी चुपी काने काने क्यों अमा के डेके जान मन हरानो ओरे सोमो पाखा मिले न जानी जब कोथाय तररा रुरु मन उड़ू उड़ू प्रेम होल शुरू मोने हाय तररा रुरु मन उड़ू उड़ू प्रेम होल शुरू मोने हाय झिरी झिरी स्वप्न झरे दूटी चोखे सीमाना चुपी चुपी काने काने क्यों अमाके डेके जाए मन हरानो रे समय पाखा मिले न जानी जब कोथाय तररा रुरु मन उड़ू उड़ू प्रेम होल शुरू मोने हाय एकला घरे मोने पड़े पथे प्रथम देखार छवि जे भय जड़ानो शिहरणे लिखि प्रेमेर चिठी जे एकला घरे मोने पड़े पथे प्रथम देखार छवि जे भय जड़ानो शिहरणे
लिखी प्रेमेर चिठी जे मन हरानो रे समय पाखा मेले न जानी जाबो कोथाय तरे रारा रुरु मन उड़ु उड़ु प्रेम होलो शुरू मने हाय एकला राते भेसे आसे मनेर हजार आशा कल्पना एकटु छोआ नीले शाराय जागजे सुख कल्पना एकला राते भेसे आसे मनेर हजार आशा कल्पना एकटु छोआ नीले शाराय जागजे सुख कल्पना घुम हरानो रे समय पाखा मेले न जानी जाबो कोथाय तेरे रारा रुरु मन उड़ु उड़ु प्रेम होलो शुरू मने हाय तेरे रारा रुरु मन उड़ु उड़ु प्रेम होलो शुरू मने हाय झिरि झिरि स्वप्न झरे दूटी चोखे सीमाना चुपी चुपी काने काने क्यों आमाके डेके जाय हाथ बाड़ानो रे समय पाखा मेले न जानी जाबो कोथाय ओके गाइस सो ये था मेरा आज का खाना और गाना, इन दोनों का एक जुगलबंदी एंड एपिसोड. सो लेट मी नो आप लोगों को मेरा कुकिंग ज़्यादा अच्छा लगा या सिंगिंग, तो उस हिसाब से फिर मैं डेफिनेटली कुछ नहीं छोड़ूंगी. आई विल डू एवरीथिंग दैट यू लाइक, आई विल डू एवरीथिंग दैट आई लव. और हमेशा की तरह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आप लोग मुझे बताइए प्लीज़. मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट, कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ और सुनना देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो. और ठीक है, सो आई वुड थैंक ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग विथ मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना. टेक केयर, बाय बाय.